प्यारे बच्चों, ये है आपकी प्यारी प्यारी हिंदी की कक्षा और आपकी कक्षा में आपकी मैम आपको एक नए अक्षर का परिचय कराएंगी। तो जल्दी से आप अपनी किताब निकालिए, अपनी पुस्तक निकालिए। मेरी प्रथम पुस्तक क ख ग, जल्दी से निकालिए और उसे खोलिए और पेज नंबर 34। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपको मैम अक्षर ब का परिचय कराएंगी। ये कौन सा अक्षर है? अक्षर ब, ब बत्तख, ब बत्तख। बत्तख कहाँ रहती है? पानी में। ब बंदर, यस आपने देखी है ना बंदर, आपके हाउस में भी आती है ना बंदर। ब बर्तन, बर्तन जिनमें हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आपकी किचन में है ना बहुत सारे बर्तन। ये सारे शब्द किससे शुरू होते हैं? अक्षर ब से। ब बत्तख, ब बंदर, ब बर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी मैम आपको अक्षर ब की कहानी सुनाएंगी। ये है हमारा स्टोरी टाइम। एक थी बत्तख जिसका नाम था बंटू। बंटू अपने घर में अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। किसके साथ रहती थी? छोटी बहन के साथ। बंटू स्कूल जा रही थी और जब वो स्कूल जा रही थी तो सबसे पहले उसने क्या लिया? अपना बस्ता। यस, आप भी लेते हो ना अपना बस्ता। वो बस्ता लेकर अपने बस स्टॉप पे पहुंची। कहां पहुंची? बस स्टॉप पे। और बस का इंतजार करने लगी, लेकिन बहुत देर हो गई, बस नहीं आई। थोड़ी देर में आसमान में काले काले बादल आए और बहुत जोर से बरसात होने लगी। क्या होने लगी? बरसात। बंटू का बस्ता भीगने लगा क्योंकि उसके पास कोई बरसाती नहीं थी। उसने देखा पास में एक बरगद का पेड़ था। बंटू बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी वहां से एक बकरी जा रही थी। कौन जा रही थी? बकरी। बकरी के पास बरसाती थी। बकरी के पास क्या थी बच्चों? बरसाती। बकरी ने बंटू को अपनी बरसाती में छिपा लिया और वो भीगने से बच गई और उसने बंटू को उसके घर छोड़ दिया। तो ये थी है बच्चों अक्षर ब की कहानी। आज की कहानी में मैम ने आपको ब से कौन कौन से शब्द बताए? ब बत्तख, ब बस्ता, ब बस स्टॉप, ब बस, ब बर्गर, ब बरसात, ब बकरी, ब बरसाती। तो बच्चों ये सारे शब्द किससे शुरू होते हैं? अक्षर ब से। अब आपको ये कहानी अच्छे से सुननी है और ध्यान से इन शब्दों को याद रखना है और हम आपसे बाद में मिलते हैं। बाय बाय मेरे बच्चों।